लोगों से भरी इस दुनिया में हमारा सामना कब किससे हो जाए कुछ पता नहीं। खतरनाक से खतरनाक अपराधी भी हमारे सामने से निकल जाए और हमें पता ना चले। कुछ ऐसी ही है हमारी दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले लोग। क्रिमिनल से तो हर कोई डरता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड का नाम सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूटने लग जाते हैं। क्राइम की इस खूनी दुनिया में कई खूंखार अपराधियों ने जन्म लिया। आज क्राइम तक पर हम बात फजल उल रहमान की करने जा रहे हैं। ये नाम भले ही किसी को याद हो या ना हो, लेकिन दो लोगों के दिमाग में एक तस्वीर बनकर हमेशा मंडराएगा। ये दो लोग हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी। जी हाँ, दरअसल बिहार के रहने वाले फजल उल रहमान ने जिस वक्त क्राइम की दुनिया में एंट्री ली, तो वो जमील खान से मिल उनके साथ काम करने लगा। जमील के साथ रहते रहते उसका कांटेक्ट किडनैपिंग किंग बल्लू श्रीवास्तव और इरफान गोगा जैसे खतरनाक गैंगस्टर से हुआ। बस फिर गैंगस्टर गोगा के संपर्क में आते ही फजल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्राइम की दुनिया में एक के बाद एक अपराध होने लगे। फिर साल 1995 में इरफान गोगा ने फजल को दुबई में फोन कर बताया कि वो दाऊद के बहनोई हामिद अंतुले को रंगदारी के लिए फोन करने वाला है, तो ऐसे में वो जाकर हैदराबाद से फिरौती के पैसे ले ले। तो उसने सीधा डॉन दाऊद इब्राहिम को फोन लगा दिया। इसके बाद दाऊद ने अपने भाई अनीस को कहा कि वो फजल को ये काम करने से मना करे, लेकिन जब अनीस ने फजल से ये बात की तो उसने कड़े शब्दों में कहा कि मेरा बॉस इरफान गोगा है, तुम नहीं। जब फजल ने किसी की बात नहीं मानी तो दाऊद ने उसे खुद 50 लाख रुपए भिजवाए और तब जाकर हामिद का पीछा छूट पाया। इसके 3 साल बाद फजल पर अपने एक साथी के साथ गांधीनगर हाईवे के पास गौतम अडानी का किडनैप करने का आरोप लगा था। गौतम अडानी ने अपने आप को छुड़वाने के लिए करीब 15 करोड़ की फिरौती दी थी। इस सब के बाद फजल दुबई चला गया। जब साल 2003 में दुबई में गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान चलाया गया, तो फजल दुबई से थाईलैंड चला गया, पर वो वहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाया। फिर नेपाल में शिफ्ट होकर कुछ समय वहाँ रहने के बाद आखिरकार 2005 में वो इंडिया आ गया। क्राइम का सिलसिला थमा नहीं, और यहाँ जब एक बिजनेसमैन ने उसे रंगदारी देने से मना कर दिया, तो फजल ने उसे गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फजल के अपराधों को देखते हुए उस पर मकोका लगाया गया और उसे फिर से जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।